नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नेशनल हराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज जीडी पूछताछ करेगी एक बार फिर से। इस दौरान सोनिया गांधी से कई सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको बता दें कि सबसे पहले 21 जुलाई को 2 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की गई थी। बताया गया कि पहले दौर की पूछताछ में उनसे कई सवाल पूछे गए थे जिनका सोनिया गांधी ने जवाब दिया था और कुछ सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए थे। इसी सिलसिले में ईडी ने एक बार फिर से बुलाया है सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए। ईडी कांग्रेस के अखबार नेशनल हराल्ड का मालिकाना हक रखने वाली यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। और इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सोनिया गांधी को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। करप्शन में डूबे हुए थे, आज एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई की जांच हो रही है दिल्ली में, तो स्वाभाविक रूप से जहां करप्शन है वहां इन्वेस्टिगेशन होगा। ऑल दोज हु आर करप्ट डू नॉट हैव द राइट टू बी एंटाइटल्ड टू नो इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इज अ ड्यू प्रोसेस। इन्वेस्टिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड एंड द लॉ ऑफ द लैंड विल टेक इट्स ड्यू कोर्स एंड कम टू अ लॉजिकल कंक्लूजन। ये हिंदुस्तान की सुंदरता है। यहां से मत को भटकाने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए प्रधानमंत्री के मॉर्फ्ड वीडियो को चलाना, इन सब से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी ने कल एक चिट्ठी भी लिखी है महामहिम हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति कोविंद जी को। यह चिट्ठी की प्रति कोविंद जी ने ट्वीट भी किया है, जिसमें किस प्रकार से प्रधानमंत्री भारत के लोकतंत्र के प्रति जीवंत है, किस प्रकार से वो कोविंद जी को धन्यवाद देते हैं कि आप एक साधारण गांव से उत्तर प्रदेश से आते हैं और उसके बाद जिस प्रकार से आपने इस ऑफिस को, इसके गरिमा को बढ़ाया है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। एवरी इंस्टीट्यूशन इन दिस कंट्री इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, चाहे वो विपक्ष हो चाहे कोई और। हर इंस्टीट्यूशन का सम्मान करना हम में से हर किसी को आना चाहिए और हर इंस्टीट्यूशन अपना काम कर रही है। मुझे लगता है सोनिया जी को इस प्रकार की राजनीति को छोड़, आज ईडी के सामने प्रस्तुत होकर जो भी सच्चाई है कि किस प्रकार से उन्होंने और राहुल जी ने यह पूरा नेशनल हेराल्ड के षड्यंत्र को रचा था, उसके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे, इसका खुलासा सोनिया जी करेंगी। ये हम सोनिया जी से आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संबित पात्रा ने कहा कि जवाब तो देना ही होगा और जिस तरीके से सत्याग्रह कांग्रेस का चल रहा है वो एक दिखावा है। विपक्ष बौखला गया है। ईडी के सामने आज सोनिया गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। क्या सोनिया गांधी से पूछताछ नहीं होनी चाहिए, ये भी कहा संबित पात्रा ने।